जुगार अंसारी की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के मामले में आयकर विभाग अब बेनामी एक्ट के तहत मुकदमा भी चलाएगा। विभाग द्वारा संपत्तियों को जब्त करने के फैसले पर निर्णायक प्राधिकारी द्वारा मोहर लगाए जाने के बाद अब अदालत में मुकदमा चलाया जाना है। इसमें मुख्तार के साले शर्जील रजा उर्फ आतिफ और करीबी कारोबारी गणेश दत्त मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति एक्ट में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण को लेकर लखनऊ में 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलने जा रहा है। इस दौरान 11 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। लखनऊ डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि संचारी अभियान को सफल बनाने को लेकर सुनियोजित प्लान बनाए जाएं, साथ ही आबादी से जुड़े खेतों में किसी भी तरह से पानी ना इकट्ठा होने देने के क्रम में किसानों को बताएं कि खेतों में ऐसी फसल बोएं जिसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। प्रसाद को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही इसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने यूपी सरकार की कार्यप्रणाली और नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव जी ने मथुरा वृंदावन मंदिर के प्रसाद की शुद्धता को लेकर जो भी कहा वो निश्चित ही पूरी प्रामाणिकता के साथ कहा होगा। ये आस्था का विषय है, इस मामले में पूरी निष्पक्षता के साथ जल्द से जल्द जांच करानी चाहिए। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है। इस बीच मुख्यमंत्री रोजगार मिशन के अंतर्गत 25 सितंबर को लखनऊ के अलीगंज में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत इस दिन अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक विशेष रोजगार मेले का आयोजन होगा। इस रोजगार मेले में ITI पास बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रयागराज में जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसा में नकली नोट बनाने के मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। मदरसे में RSS को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताने वाली किताब रखने के पीछे की मंशा और उड़ीसा भेजे गए पार्सल के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। ATS और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी आरोपियों से सवाल जवाब करेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बाढ़ प्रभावित किसानों को तत्काल राहत मुहैया कराने के लिए CM योगी को पत्र लिखा है। चौधरी ने कहा कि ब्रज क्षेत्र के दौरे के समय उन्होंने अनेक गांवों का भ्रमण किया है और ये देखने में आया है कि इस क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है और उन्हें तत्काल राहत पहुँचाए जाने की आवश्यकता है। कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाइयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने उनके साई होटल को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है। 3 दिन में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा। प्रशासन का दावा है कि सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर होटल का निर्माण किया गया है। भाजपा विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आगरा में पुलिस कमिश्नरेट नहीं बल्कि कमीशन का रेट है। इस बयान पर सियासत अब गर्मा गई है। सपा मुखिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा विधायक के बयान को लेकर CM योगी को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कम से कम अब तो अपने शासन प्रशासन के कुशासन को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपके विधायक पुलिस कमिश्नरेट को कमीशन रेट की उपाधि से सुशोभित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एंटी करप्शन टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए एक हेड कांस्टेबल को थाने के अंदर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दरोगा टीम को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। आरोप है कि दरोगा ने पीड़ित से बेटों के नाम मुकदमे से हटाने के लिए 40,000 की रिश्वत मांगी थी। 20,000 में सौदा हुआ और 5,000 रुपए दरोगा ले चुका था। बिजनौर जनपद के राजकीय ITI संस्थान में आयोजित कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी शामिल होने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी कौशल महोत्सव में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया।